आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, रीना द्वारा 16 परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का औसत 26 है। श्रेया द्वारा अब तक प्राप्त अंकों का औसत 24 है, लेकिन उसने मतलब श्रेया ने अब तक केवल 12 परीक्षाएं दी है। रीना के समान प्रदर्शन करने के लिए, यानी कि रीना जितना ही नंबर टोटल प्राप्त करने के लिए श्रेया को शेष 4 परीक्षा में औसत कितना अंक प्राप्त करना चाहिए? तो कैसे निकालेंगे हम लोग? 16 परीक्षा में जितना टोटल अंक प्राप्त किया गया होगा, उसमें से 12 परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक को घटा लेंगे तो शेष 4 परीक्षा का टोटल अंक आ जाएगा। और जब 4 परीक्षा का टोटल अंक आ जाएगा तो इससे हम लोग औसत ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे हम लोग संख्या इंटू औसत बराबर योग, जो तुम लोग का फॉर्मूला होता है। कितना परीक्षा? 16 परीक्षा, यही हम लोग का परीक्षा का संख्या है। कितना औसत अंक आया? 26, यानी 16 परीक्षा में 26 अंक आया। श्रेया को कितना मिला? 12 परीक्षा में औसत 24 अंक आया। 12 परीक्षा में 24 अंक प्राप्त हुआ, 24 अंक नहीं औसत। अब 16 परीक्षा में औसत 26 अंक प्राप्त हुआ तो टोटल कितना अंक प्राप्त हुआ? तो क्या करेंगे, 16 से 26 में गुना करेंगे, आ जाएगा हम लोग का 16 6 96 9, 16 2 38 38 9 9 2 11 41, 416। श्रेया को 12 परीक्षा में 24 औसत अंक प्राप्त हुआ तो टोटल अंक कितना प्राप्त हुआ? 12 में 24 से गुना करेंगे, 12 4 48 8 4, 12 2 24 4 28, कितना आ जाएगा? 12, 16 में से 12 को घटाएंगे 4, घटाए हैं उधर तो इधर भी घटाएंगे, यानी कि टोटल 16 परीक्षा में 416 अंक आया किसको? रीना को। उसमें से श्रेया के अंक को घटा लेंगे तो शेष 4 परीक्षा का टोटल अंक आ जाएगा। तो 8 8 16 के 6 में 1 8 1 9 2 11 में 1 2 1 3 1 4 128, यानी कि रीना के जितना ही टोटल अंक प्राप्त करने के लिए श्रेया को 4 परीक्षा में 188 अंक प्राप्त करना होगा। तो बोला अंक नहीं औसत अंक ज्ञात कीजिए, तो औसत अंक कितना हो जाएगा? औसत अंक बराबर 128 बटा कितना परीक्षा में? 4 परीक्षा में, 4 से भाग देंगे, 4 2 8 4 3 12 4 2 8 32, यानी 4 परीक्षा में औसत 32 अंक प्राप्त करना होगा किसको? श्रेया को, तब रीना के बराबर अंक आ जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 32। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 9 लड़के कुछ लड़कियां थी, एक परीक्षा में लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुए जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 है। यदि अंकों का कुल औसत इतना है तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? क्या निकालना है? टोटल विद्यार्थियों की संख्या, जबकि लड़का का संख्या दे रहा है, लड़की का नहीं दे रहा है। और क्या दे रहा है? लड़कों का औसत अंक 13 दे रहा है, लड़की का औसत अंक 15 दे रहा है और टोटल औसत अंक 14.28। इस प्रश्न को क्या करेंगे हम लोग? एलिगेशन से बनाएंगे, जो कि हम लोग मिश्रण चैप्टर में उसका यूज कर चुके हैं। तो लिखेंगे हम लोग क्या? बॉयज एंड गर्ल, लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना? 13। लड़कियों का प्राप्त औसत अंक कितना? 15। लड़का और लड़की टोटल का औसत अंक कितना? 14.28। तो टोटल यानी दोनों को मिला हुआ जो औसत है दोनों का, तो उसको हम लोग लिखेंगे बीच में 14.28। अब क्या करेंगे? यहां से हम लोग करेंगे क्रॉस। अब यहां से क्रॉस इधर जा रहा है तो बीच में जो भी मिलेगा दोनों संख्या का अंतर लिखाएगा यहां,
तो पहले 15 उसके बाद मिला 14.28, तो दोनों का अंतर लिख लेंगे, 15 14.28 घटा करके कितना आ जाएगा हम लोग का, 2 8 2 10 में 1 2 1 3 7 10, यानी कितना आ जाएगा 0.72। अब यहाँ से क्रॉस करके यहाँ आएंगे हम लोग, तो बीच में क्या मिला, 13 से चले और 13 से यहाँ आ रहे तो 14 मिला बीच में, यानी 13 और 14.28 का अंतर यहाँ लिखाएगा। तो 14.28 और 13 दोनों का अंतर कितना, ये आप चाहे तो सीधे मन में ही कैलकुलेशन करके लिख सकते हैं। तो 2 हो गया और ये यानी 1.28, 1.28 ये हम लोग का किस में आता है, अनुपात में आता है, यानी अनुपातिक मान। अब क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट को हम लोग काट देंगे, काटने के बाद इसको और छोटा करेंगे, तो करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 8 9 72, इसको काटेंगे कितना आएगा, 8 1 8, 8 4 12 8 6 48, यानी 9:16 आ गया। किसमें आया, 9:16, 9 क्या है 16 क्या है, तो 9 है लड़के का संख्या का अनुपातिक मान और 16 क्या है लड़की के संख्या का अनुपातिक मान। पूछ क्या रहा है, विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यानी टोटल संख्या कितना है, तो टोटल कहाँ से आएगा हम लोग का, तो अनुपात को ही जोड़ देंगे, 16 और 9 टोटल हो जाएगा 25, लेकिन ये 25 किसमें है, अनुपातिक मान है, किसमें है, अनुपातिक मान है। अभी इसका एक्यूरेट मान हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, किसका एक्यूरेट मान दे रहा है, 9 लड़के, यानी लड़कों की टोटल संख्या कितनी, 9, लेकिन अनुपात में लड़का का संख्या कितना दे रहा है, 9, तो अनुपात में 9 और एक्यूरेट भी 9, तो 9 से 9 को काटेंगे 1 आएगा, यानी 1 अनुपात का मान कितना आ गया, 9, 1 अनुपात का मान 9, तो 25 अनुपात का मान कितना, 1 अनुपात के मान से यानी 1 से गुना कर देंगे आ जाएगा 25, यानी लड़का और लड़की टोटल कितना है 25, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ऑप्शन नंबर बी 25 हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 28 लड़के और कुछ लड़कियां थी, कितने लड़के 28, एक परीक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 12.5, लड़कियों का औसत अंक कितना है, यदि समग्र औसत, समग्र मतलब टोटल औसत अंक कितना है, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, कुल मतलब लड़का और लड़की दोनों मिलाकर कितने हैं, तो वही काम करेंगे जैसे पीछे किए थे हम लोग, लड़का हो गया लड़की, लड़का का औसत अंक कितना 12.5 लिखेंगे, 12.5, लड़की का औसत अंक कितना 14.5, 14.5, समग्र यानी टोटल औसत अंक कितना 13.1, टोटल को क्या करते हैं हम लोग बीच में लिखते हैं। अब यहाँ से क्रॉस करेंगे, यहाँ से क्रॉस करेंगे, यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं तो बीच में क्या मिला, 14.5 के बाद 13.1, यानी दोनों का अंतर लिखाएगा यहाँ, तो दोनों का अंतर लिख देंगे, 14.5 में से 13.1 घटा के लिखेंगे आएगा हम लोग का 1.5, 1.4 अनुपात, क्योंकि ये अनुपात में ही आता है। अब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो दो संख्या मिला, एक तो 12.5 और बीच रास्ते में क्या मिला 13.1, तो 13.1 बड़ा में से छोटा घटेगा, 13.1 में से 12.5 घटा लेंगे आ जाएगा 0.6, कितना आ गया 0.6, अनुपात में हम लोग का है, तो क्या करेंगे पॉइंट से पॉइंट को काट देंगे। अब 2 से काटेंगे कितना बार में जाएगा, 2 7 14 2 3 6, यानी अनुपात में लड़का और लड़की का संख्या आ गया 7 और 3, बोल क्या रहा कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तो अनुपातिक योग कितना आ जाएगा, कुल के लिए दोनों को जोड़ेंगे 7 3 टोटल 10, लेकिन ये 10 एक्यूरेट नहीं है, किसमें है अनुपात में है, अनुपातिक योग है, अनुपातिक योग। अभी टोटल योग निकालना, एक्यूरेट योग निकालना बाकी है, तो एक्यूरेट कहाँ से आएगा, लड़का का संख्या कितना दे रहा 28, जबकि अनुपात में लड़का का संख्या कितना है 7, तो कह सकते हैं 7 का मान 28, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 7 1 7 7 4 28, 1 का मान कितना आ गया 4।
अब एक का मान चार तो दस का मान कितना, तो दस के मान में क्या करेंगे, दस में हम लोग एक के मान से गुना कर देंगे, एक का मान चार है तो आ जाएगा 40। यानी कि छात्रों की कुल संख्या कितनी, ऑप्शन नंबर बी 40। हम लोग का अगला प्रश्न है, 25, 31, 41 विद्यार्थियों के तीन बैचों के औसत अंक इतना 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 है, सभी विद्यार्थियों का औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे हम लोग, सभी विद्यार्थी का ज्ञात करना है। टोटल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ज्ञात करेंगे 25, 31 और 41 का टोटल, लिखेंगे हम लोग संख्या औसत योग, क्योंकि संख्या इंटू औसत बराबर योग होता है। कितना संख्या है, 25 है, 31 से 41 है, 25, 31, 41, 25 का औसत कितना 20, उसी तरह से 20, 26, 56, 20, 26, 56 इंटू करेंगे बराबर, यानी कि 25 विद्यार्थियों का औसत अंक 20 है तो टोटल अंक कितना होगा, गुना कर देंगे 25 गुना 50 500। उसी तरह से 31 विद्यार्थियों द्वारा औसत प्राप्त अंक 26 तो टोटल प्राप्त अंक कितना, तो गुना करेंगे 26 एकम 26 26 78 79 80। 41 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 56 तो टोटल कितना प्राप्त किया, इसको इसमें गुना करेंगे 6 6 4 के 24 24 5 29 के 9 2 5 6 20 2 22 टोटल कितना आएगा, तो टोटल मतलब टोटल संख्या कितना, तो 25 31 41 तो 5 2 7 3 2 5 4 9 97, यानी 97 विद्यार्थियों द्वारा टोटल कितना अंक प्राप्त किया गया। तो टोटल के लिए क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, तो 6 6 12 को दो हाथ में 1, 9 एक 10 शून्य हाथ में 1, 5 और 1 6 8 14, 15 16 के हाथ में 1, 2 1 3, यानी कि 97 विद्यार्थी द्वारा टोटल इतना अंक प्राप्त किया गया। तो औसत कितना प्राप्त किया गया, तो औसत के लिए क्या करेंगे हम लोग, औसत बराबर टोटल प्राप्तांक बटा विद्यार्थियों की संख्या 97, इससे भाग देना होगा हम लोग को, तो भाग देंगे 3602, 97 से भाग देंगे कितना बार में जाएगा, तीन बार में, तो 7 21 के 1 2 9 27 28 29, 10 में से 1 गया 9 बचा 5, 15 9 6 15 ये खत्म, बचा 2। अब कितना बार में जाएगा, 7 बार में, 9 7 63 7 49, तो 7 49 के 9 4, 9 7 63 63 4 67, तो हो जाएगा 9 3 12, 8 में से 7 गया 1, ये उतर जाएगा 2। कितने बार में जाएगा, अब 2 हम लोग का यूज हो चुका पहले ही, ये 2 नहीं बचेगा, ये हो गया हम लोग का 0 बैठाएंगे तो यहाँ हो जाएगा दशमलव बैठ जाएगा। कितना बार में जाएगा, 97 से 9 दून 18 करीब करीब एक बार में, तो 7 एकम 7 97, यानी कि 3 हो जाएगा, 9 3 12, तो 37.1 लगभग आएगा हम लोग का। हम लोग किसमें है, ऑप्शन नंबर सी 37.13 हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी विद्यार्थियों का औसत अंक कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 37.13। हम लोग का अगला प्रश्न है, 25 छात्रों के समूह के प्राप्तांकों का औसत 36 था, एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, 25 का औसत 36 था, एक ने समूह छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों के प्राप्तांकों का औसत बढ़कर इतना हो गया। हम लोग का यहाँ तक एक प्रश्न है, क्योंकि 25 छात्र समूह में था
जिसका औसत इतना था, एक छोड़ दिया औसत इतना हो गया। अब इसके बाद बोल रहा है, इसके तुरंत बाद एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त अंकों का औसत इतना हो गया। क्या घटकर छोड़ने वाले छात्र और शामिल होने वाले छात्र कि प्राप्त अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। यानी क्या निकाला हम लोग को, सबसे पहले छोड़ने वाले छात्र का प्राप्तांक कितना था और शामिल होने वाले छात्र का प्राप्तांक कितना था। तो क्या करेंगे, सबसे पहले छोड़ने वाले का प्राप्तांक निकालेंगे। कैसे निकलेगा, 25 छात्र का औसत प्राप्तांक 36, 25 बच्चा का औसत प्राप्तांक कितना 36। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, यानी 25 में से एक चला गया, बचा कितना 24। जब एक बच्चा समूह छोड़ देता है तो औसत बढ़कर इतना हो जाता है। तो पहले 36 था, अब औसत इतना हो गया, तो 36 से 37.5 कितना बढ़ गया, 1.5 बढ़ गया। जितना बढ़ गया उतना से क्या करेंगे हम लोग, शेष में गुना कर देंगे। शेष में गुना करेंगे कितना आ जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा 15 चौके 60, 15 दूना 30, 0, 6, 3, एक अंक के बाद दशमलव, क्योंकि यहाँ दशमलव है, दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं, हो जाएगा 36। यहाँ लिखेंगे 36। अब इन दोनों को जोड़ना होगा, लेकिन जोड़ने के पहले ये देखना होगा कि 36 का साइन क्या होगा। तो साइन कैसे तय होगा, दो चीज से। छात्र क्या कर रहा है, समूह को छोड़ रहा है, यानी कि बच्चा बाहर जा रहा है। उसके बाद ऐसा करने के बाद औसत क्या हुआ, औसत बढ़ गया, बढ़ गया मतलब प्लस हो गया। अब इन दोनों को करेंगे इनटू, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, इसलिए इसका साइन हो जाएगा माइनस। अब जब इसका साइन माइनस हो गया तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, जोड़ेंगे तो जीरो। ये जीरो क्या हुआ, छोड़ने वाले छात्र का प्राप्तांक हो गया, छोड़ने वाले छात्र का प्राप्तांक हो गया जीरो। अब इसके बाद का लाइन देखेंगे हम लोग, क्या बोल रहा है, इसके तुरंत बाद अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया। अब जब छात्र समूह में शामिल हो रहा है तो बच्चा था कितना, 25 बच्चा में एक बच्चा क्या किया, छोड़ दिया, यानी 24 बच्चा था। और ये औसत किसका है, 24 बच्चा का ही है, क्योंकि बच्चा जब एक बच्चा छोड़ दिया तो औसत इतना हो जाता है, यानी कह सकते हैं कि 24 का औसत इतना है, तो 24 का औसत 37.5। इसके बाद बोल रहा है कि इसके तुरंत बाद एक छात्र समूह में शामिल हो गया, शामिल होना मतलब जुट जाना, तो कितना हो जाएगा जुट कर, 25। लेकिन ऐसा करने पर औसत पर क्या प्रभाव पड़ा, बोला औसत घटकर इतना हो गया। इतना मतलब कितना, 37.5 पहले था कितने बच्चे का, 24 बच्चे का, अब हो गया 37.2, तो कितना घट गया, कैसे निकालेंगे हम लोग, तो 37.2 यहां लिख लेते हैं, 37.5 में से 37.2 को घटा देंगे 3, यानी कितना घट गया, 0.3 घट गया। जितना घटता या बढ़ता है बाद वाले में संख्या में क्या करते हैं हम लोग, गुना कर देते हैं, गुना कर देंगे। अब गुना करके यहाँ हम लोग लिखेंगे तो 25 या 75 आएगा कितना, 7.5। लेकिन 7.5 का साइन क्या होगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चा क्या हुआ, आया, आया मतलब प्लस, बच्चा क्या हुआ, बच्चा आ रहा है, इसलिए हो जाएगा प्लस। लेकिन आने के बाद औसत क्या हुआ, घट गया, औसत घट गया, तो करेंगे प्लस माइनस क्या, माइनस, यानी बच्चा आया और औसत घट गया, तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए इसका साइन हो गया माइनस। अब दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5, 5, 0, और यहाँ 7 घट जाएगा 30। 30.0 का मतलब कितना, पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं है, 30। तो जो बच्चा शामिल हुआ, शामिल होने वाले छात्र का प्राप्तांक कितना, 30। जो छोड़ा उसका प्राप्तांक कितना, 0। क्या बोल रहा, दोनों का औसत ज्ञात कीजिए, यानी छोड़ने वाले का, छोड़ने वाले का उम्र कितना, ये औसत अंक 0, और शामिल हुआ औसत, उसका औसत अंक कितना, उसका प्राप्तांक 30।
औसत नहीं प्राप्तांक, दो बच्चा है तो एक दो दो से भाग देंगे तो 30, 30 में दो से भाग देंगे कितना आ जाएगा 15। यानी कि छोड़ने वाला छात्र और शामिल होने वाला छात्र का प्राप्तांकों का औसत कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 15।